24। इंस्पेक्शन करने पहुंचे आईजी, डीआईजी व एसपी ने राजनांदगांव जिले के कोतवाली थाने की लापरवाही देख तीखी नाराजगी दिखाई। इस दौरान हर स्तर पर लापरवाही नजर आई, जिस पर आईजी व डीआईजी ने पुलिस कर्मियों को तगड़ी फटकार लगाते हुए सीएसपी को 100 कार्ड नोटिस जारी किया गया है, तो वहीं थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। राजनांदगांव इंस्पेक्शन करने पहुंचे आईजी, डीआईजी व एसपी ने कोतवाली थाने की लापरवाही देख तीखी नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान हर स्तर पर लापरवाही नजर आई, जिस पर आईजी व डीआईजी ने पुलिस कर्मियों को तगड़ी फटकार भी लगाई। इस मामले में एक्शन लेते हुए सीएसपी को 100 काज नोटिस जारी किया गया है, तो वहीं थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। दरअसल प्रदेश के सभी रेंज आईजी को थाना के इंस्पेक्शन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। डीआईजी के निर्देश के बाद दुर्ग रेंज के आईजी हिमांशु गुप्ता ने डीआईजी राजनांदगांव रतनलाल डांगी और एसपी कमल लोचन कश्यप के साथ राजनांदगांव के कोतवाली थाने में इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान थाने में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान थाने के मालखाना, जब्ती माल का निराकरण, शस्त्रागार इत्यादि के रखरखाव में भारी लापरवाही एवं बड़ी संख्या में विवेचना तथा वारंट लंबित पाए गए। आईजी के निर्देश पर राजनांदगांव के कोतवाली सीएसपी अनुज लकड़ा को 100 काज नोटिस जारी किया गया है। वहीं थाना प्रभारी शिवेंद्र राजपूत को लाइन अटैच कर दिया गया है। साथ ही 3 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। थाने में लापरवाही और गड़बड़ी के मामले में राजनांदगांव के एडिशनल एसपी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। राजनांदगांव